हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जरीन रेसिपी वर्ल्ड। सो आज हम लोग बनाएंगे महाराष्ट्र की बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश जो है वो है उसलवड़ा, जो कि वहाँ पे मोस्टली ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। तो देख के लग रहा है ना टेम्पटिंग, तो बस चलिए जल्दी से आइए और नोट डाउन कर लीजिए ये रेसिपी। और हाँ, मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे पैन में ऑयल ले लिया है, उसके अंदर में राई डाल दी है एंड करी लीव्स डाल दी है। ये स्प्लटर हो जाएगा, उसके बाद में हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे, जो कि है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट, बस वही रहेगा इसके अंदर, और हल्दी पाउडर। तो बस ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि हल्का सा टेम्परिंग इसका रेडी हो गया, सौते हो गया है। उसके बाद में हम डायरेक्ट बॉयल्ड पोटैटोज़ डाल देंगे एंड सॉल्ट टू टेस्ट डाल देंगे। सो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है बॉइल्ड पोटैटोज़, और उसके साथ ही मैंने मतलब नमक डाल दिया था एंड इसको अच्छे से मैशअप कर लिया था पैन के अंदर। आप पहले भी कर सकते हैं, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और चूल्हे पे से बंद करने के बाद में इसे धनिया डाल के गार्निश किया था एंड मिक्स करके वड़ा बना लिया था। वड़ा जो है मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ में बनाए थे, आप भी उसी तरीके से बनाइएगा। और बस इसका जो बैटर होता है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर बेसन ले लिया है, उसके अंदर हल्दी नमक और अ पिंच ऑफ सोडा डाल के उसका अच्छे से बैटर बना लिया है, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन, बिकॉज उसके पर अच्छे से कोट होना चाहिए। तो इसका बैटर आप देख लीजिएगा किस तरह का चाहिए। सो बस इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए, और हम लोग हमारा जो वड़ा है उसको डिप करेंगे बैटर के अंदर, उसे डीप फ्राई करेंगे और 2 एट अ टाइम करेंगे, ज़्यादा क्राउड नहीं करेंगे हमारे पैन को, वरना वो टर्न नहीं होगा। सो नाउ इट्स रेडी, अभी इसे साइड पे रखते हैं और हमारा कट बनाते हैं। कट मतलब कि उसकी जो ग्रेवी होती है उसल की, जो मोस्टली हम लोग उसल की ग्रेवी बनाते हैं, बस वही है। यहाँ पे पैन में ऑयल ले लिया है और अनियंस बड़े बड़े काटे थे, उसके बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, और आपको इसे ग्राइंड ही करना है। तो अब ध्यान मतलब अगर मोटा भी अनियन काटेंगे तो भी चलेगा। और 1 to 2 tablespoons जितना मैंने ड्राई कोकोनट पाउडर डाला है एंड टमेटो प्यूरी मेरे पास थी, तो मैंने 4 cubes डाल लिया, आप चॉप टमेटोज भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसके साइड पर रख लिया है। ये दूसरी टेम्परिंग हम रेडी कर रहे हैं, इसके अंदर डाला है जीरा राई और सौंफ इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हमारा जो टेम्परिंग होने लग जाएगा, तो हमने जो मसाला जो रेडी किया था अनियन वाला, वो इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। सो बस ये मसाला हल्का सा डालेंगे और हल्का सा बचा के रखिएगा, मतलब कि 3-4 tablespoons इसमें ऐड करेंगे और बाकी का थोड़ा बचा के रखेंगे हमारे उसल के लिए। सो बस यहाँ पे इसे अच्छे से भूनेंगे, भूनने के बाद में हम लोग इसके अंदर डालेंगे पानी। सो हमारा मसाला भुन गया था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है हल्दी पाउडर, और उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी बाकी के सारे मसाले, जो कि है रेड चिली पाउडर और है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर भी मैंने 1/2 teaspoon जितना ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर ज़ीरा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऑलरेडी बघार में डाल दिया है। एंड उसके साथ ही धनिया पाउडर डाला है, वो भी बहुत ही कम डाला है, 1 tablespoon के करीब है। एंड उसके साथ हम डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट टू टेस्ट, एंड ये है अ पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद बॉइलिंग वाटर मैं इसमें डाल दूंगी, और करीबन एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद में हम इसे उतार लेंगे और साइड पे रख देंगे। तो हमारा जो तरी है वो रेडी हो जाएगा, और उसके बाद हम बाकी का प्रोसीजर जो है आगे वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें बॉइलिंग वाटर ऐड कर दिया है, और एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी चूल्हा। तो चलिए अभी हमारा जो है तरी बन गई है, अब बना लेते हैं उसल। तो उसल के लिए मैंने ले लिया है फाइनली चॉप्ड अनियन, और उसके अंदर मैं बस इसे पिंकिश होने दूंगी, उसके बाद जो हमने पेस्ट बचा के रखा था ना, वो वाला पेस्ट इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ये जो स्प्राउट्स है वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के कवर करके कुक कर लिया था, और जब ये कुक हो गया था उसके बाद में मैंने दूसरे मसाले ऐड किए थे। तो देखिए हमारा उसल जो है वो रेडी हो गया, बस अब इसमें रेड चिली पाउडर हम ऐड कर देंगे और 2-3 minutes कुक करके इसे बंद कर देंगे।
सो नाउ इट्स सर्विंग टाइम, और सर्विंग के लिए हम ले लेंगे एक प्लेट और उसके अंदर हम हमारा जो उसल रेडी हुआ था सबसे पहले वो ऐड करेंगे, और उसके साथ ही हम जो चिवड़ा मिक्स होता है, जैसे कि आपके पास अगर चिवड़े नहीं है, मिक्स नहीं है आपके पास मिक्सचर, तो आप सेव और चने की दाल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अच्छे से सब जो हमारा फरसान था वो डाल दिया है और वड़े डाल दिए हैं, और उसके बाद हमारी जो तरी हमने बनाई थी ना बहुत यम्मी सी, वो अच्छे से इसके ऊपर पोर करेंगे इस तरीके से, और उसके साथ ही हम ऊपर से गार्निश करेंगे इससे चॉप्ड अनियन के साथ में एंड थोड़े से स्प्राउट्स के साथ में। और ये अधूरा सा लग रहा है ना, तो बस इसमें दही ऐड करनी है, तो दही इसे टॉप करेंगे दही से, और उसके साथ लेमन एंड ग्रीन चिली के साथ सर्व करेंगे। और इसे पाव के साथ आप ज़रूर खाइएगा, पाव के साथ खाइए, बिना पाव के खाइए, बहुत यमी लगता है, बहुत मज़े का लगता है, इतना टेस्टी था ना मैं आपको क्या बताऊँ। और लेमन डालने के बाद में ये और इसके चार चांद लग जाते हैं इसके टेस्ट पे, तो ये जैसा दिख रहा है खाने में भी उतना ही मज़े का है ये। सो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा मेरी ये रेसिपी को एंड फॉलो करिएगा मुझे एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाई।